हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग का क्या क्या प्री रिक्विजिट है अगर आप लोग कोई सिस्टम को, कोई लिनिक्स को अपना वर्कर नोड बनाना चाहते हैं कोई जेनकिस मास्टर का। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हमारा क्या क्या जरूरत है। पहले हम लोग को चाहिए अपने सिस्टम में, मतलब ये हम जैसे मैं ये अपना सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को अपना वर्कर नोड बनाना चाहता हूँ जेनकिस मास्टर का। तो इस सिस्टम में मेरा क्या क्या पहले से होना चाहिए, बेसिकली हम लोग ये जानेंगे। तो चले शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, हम लोग ये भी जान जाएंगे कि हम लोग को कौन कौन सा प्लगइन चाहिए अपने जेनकिस मास्टर में ये कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात पहले जान जाइए, कोई भी सिस्टम को आप वर्कर नोड बनाना चाहते हैं, जो सबसे पहला जरूरत है वो है जावा। आपके वर्कर नोड पे जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप विंडोज को बनाइए चाहे आप लिनक्स को बनाइए, आपको जावा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे मेरे सिस्टम में, पहले मैं जावा आपको दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम में जावा अभी पहले से इंस्टॉल्ड होगा, पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे इंस्टॉल्ड करना है आप लोगों को। और एक बात और जान जाइए, जैसे कि ये मेरा वर्जन 11 है जावा का, और मैं जो जेनकिंस का जो यूज कर रहा हूँ वर्जन, उसका वर्जन अभी मैं आप लोग को अगर दिखाता हूँ तो उसका वर्जन 2.3 समथिंग है। तो यहाँ पे ये मेरा जेनकिंस है, अगर मैं इसमें आप लोग को वर्जन दिखाऊँ जेनकिंस का, आप लोग को जो जेनकिंस का वर्जन, तो ये देखिए जनरली इसका वर्जन 2.38 है। ठीक है, और एक बात और ये ही मैं बताना चाह रहा था कि कुछ कुछ जो जावा का वर्जन है, कुछ कुछ जेनकिंस वर्जन में सुटेबल नहीं है, मतलब कंपेटेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा जो 11 वर्जन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 यूज करता, जावा 8 यूज करता, तो वो क्या होता कि जो मैं जेनकिंस यूज कर रहा हूँ उसमें सही से काम नहीं करता। तो इसीलिए आप लोग को एक बार ध्यान रखना होगा, अगर आप लोग जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से जावा आप लोग इंस्टॉल कीजिए। अब मैं सलाह देता हूँ आप लोग जावा 11 इंस्टॉल कीजिए, तो लगभग अभी सब वर्जन में काम कर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग में जावा 8 है तो कोई समझ प्रॉब्लम नहीं, जेनकिंस वर्जन आप लोग का 2.5 या ऐसे से नीचे रहना चाहिए, तब वो सही से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ब्राउजर है, मैं यहाँ पे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे जावा को। आप लोग यहाँ पे भी जावा 11 डाउनलोड कीजिए। तो जावा 11 डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इस पे लिंक, पहला लिंक जो ओरेकल का आएगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है, और इसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे दो लिंक है। एक यहाँ पे देखिए, एक लिनक्स डेवियन है, एक लिनक्स आरपीएम पैकेज है। तो ये डेवियन है जनरली आप लोग उबंटू पे यूज कर सकते हैं, और ये जो रेड हैट सेंटोस पे, ये सब आप आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा लिनक्स में, चाहे उबंटू होगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और आपका अगर ये आपका अगर मान रेड हैट हो या सेंटोस होगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा रेड हैट है। उसके बाद आप यहाँ पे लाइसेंस एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा लाइसेंस। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद अगर डाउनलोड आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो हो सके आप लोग का क्या होगा कि आप लोग को एक यूज अकाउंट, जैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आएगा, ये यही आने वाला है। यहाँ पे आप लोग को साइन इन करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम देना पड़ेगा और यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं है आपका यूजर नेम, अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कीजिए क्योंकि इसके बिना ये नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेरा अकाउंट है तो मैं अपने यही यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर ले रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आप खाली अपना ईमेल दीजिए, वेरीफाई कीजिए, ये बन जाएगा अकाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे आप हुआ कि यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से दीजिए, और ये यहाँ पे आप देखिएगा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोड स्टार्ट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये डाउनलोड अब स्टार्ट होने के बाद हम लोग अपना आगे का देखते हैं। तो हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड फोल्डर्स में अपना जाते हैं, डाउनलोड फोल्डर्स में जाकर देखते हैं हमारा जावा आया है कि नहीं। तो डाउनलोड फोल्डर्स में हम लोग आके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एलएस करूं इसको, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जेडीके आ चुका है। अब हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आरपीएम कमांड का यूज करूंगा, आरपीएम -l उसके बाद जेडीके। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये वेरीफाई हो रहा है, और ये वेरीफाई होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए इंस्टॉल्ड नहीं हुआ। आप लोग ऐसे कीजिएगा तो ये आप लोग का इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जावा को इंस्टॉल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को ये बेसिक सा रिक्वायरमेंट था जो आप लोग को ये होना चाहिए, आपको वर्कर नोड में जावा होना चाहिए। तो सेम वे में आप जावा 8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो ये जावा होना कंपलसरी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जावा वर्जन आप लोग देख सकते हैं, अपना जावा का आप लोग वर्जन 11 स्टार्ट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये इंस्टॉल हो गया तो आपका वर्कर नोड अब रेडी है अपना वर्कर नोड बनने के लिए। अब हम लोग को प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद ही अब हम लोग अपना मास्टर को अब इनेबल कर पाएंगे कि वो वर्कर नोड मतलब अपना ले सके, मतलब वर्कर नोड का यूज कर सके।
ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लगइन्स कौन कौन सा इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग को जो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैनेज प्लगइन्स, मैनेज जेनकिन्स को मैं नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे, हम लोग को प्लगइन चाहिए, SSH बिल्ड इन प्लगइन चाहिए, एक बिल्ड एजेंट प्लगइन हम लोग को प्लगइन चाहिए। तो मैंने जो इंस्टॉल्ड कर लिया है वो तो मेरे इंस्टॉल्ड सेक्शन में होगा, वो आपको वो डाउनलोड करना है तो आप प्लगइन्स अवेलेबल प्लगइन्स में जाइएगा। ठीक है, मैं इंस्टॉल्ड में आता हूँ, बता देता हूँ आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो आप अवेलेबल प्लगइन सेक्शन में जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इंस्टॉल्ड कर लिया हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल्ड सेक्शन में आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आप लोग SSH लिखिएगा। जब आप SSH लिखिएगा तो एक प्लगइन आएगा आप लोग को, SSH बिल्ड एजेंट प्लगइन, ये प्लगइन आएगा। अलाउ, ये प्लगइन क्या करता है, अलाउ टू लॉन्च एजेंट ओवर SSH यूजिंग अ जावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ SSH प्रोटोकॉल। तो ये मेनली ये प्लगइन चाहिए जेनकिन्स को अपना ये काम करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि जेनकिन्स को कोई भी काम करना है तो उसको प्लगइन चाहिए, प्लगइन्स के माध्यम से ही वो थर्ड पार्टी टूल के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ भी मेरा एक तरह से ये दूसरा सिस्टम है, तो दूसरा सिस्टम है तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए SSH का यूज कर रहा है यहाँ पे जेनकिन्स। तो SSH से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे जेनकिन्स को ये प्लगइन चाहिए ही चाहिए इनेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेनली ये दो चीज चाहिए, दो प्रीरिक्विजिट चाहिए आपको अगर लिनक्स को वर्कर नोड बनाना है तो। ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपका सिस्टम रेडी टू गो हो जाएगा वर्कर नोड बनने के लिए। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा वर्कर नोड आप लोग कैसे बना सकते हैं, लिनक्स को आप लोग वर्कर नोड कैसे बना सकते हैं। उसके अगले वीडियो में मैं ये भी ले आऊंगा कि आप लोग कैसे मतलब लिनक्स के अलावा विंडोज को ऑपरेटिंग विंडोज को वर्कर नोड बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज आप, ये जो मैं प्रीरिक्विजिट बताया हूँ इसमें जावा वाला जो प्रीरिक्विजिट है वो सबके लिए लागू करता है। मतलब वो आप विंडोज पे कीजिए या लिनक्स पे कीजिए या आप कहीं भी कीजिए, ठीक है, वो आपको हर जगह लागू होता है, जावा आपको चाहिए आपके वर्कर नोड में। पर ये जो SSH वाला मैंने ये प्लगइन बताया ये सिर्फ आप लोग के लिए, ये इस पे लागू होता है लिनक्स एज ए वर्कर नोड में, और तब लागू होता है जब आप ये यूज करते हैं, जब आप SSH यूज करते हैं प्रोटोकॉल, वो हम लोग बताऊंगा आप लोग को। तो ये दो काम आप कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा आप लोगों को क्या क्या प्रीरिक्विजिट है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।